मेघालय हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के द्वारा, जिसमें जजेस थे चीफ जस्टिस विश्वनाथ सुमादर एंड जस्टिस एच एस थैंक यू, कोर्ट ने कहा कि जो वैक्सीनेशन होता है वो पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी होता है और ये पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी कभी भी फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं करना चाहिए। राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 एंड इसी के तहत में वैक्सीनेशन भी फंडामेंटल राइट होता है। और अगर वैक्सीनेशन को अगर मैंडेटरी कर दिया जाता है तो ये जो वैक्सीनेशन का वेलफेयर पॉलिसी है, वेलफेयर पॉलिसी खत्म हो जाता है। स्टेट का कोई भी ऑर्डर या नोटिफिकेशन फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है, ये कुछ बदलाव करना ही है, तो विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा होना चाहिए। और वो जो ड्यू बकायदा ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो होता है, ये वेग नहीं होना चाहिए, रीजनेबल जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। और इसके लिए आप लोग देख सकते हैं ओल्गा टेलिस केस। फर्दर कोर्ट ने कहा कि ये जिम्मेवारी स्टेट की होती है कि वो अपने सिटीजन को, जो भी सिटीजन होते हैं, वो सिटीजन को अवेयर कराएं वैक्सीनेशन के टूअर्स में। लेकिन अवेयर कराने के लिए कभी भी ऐसा फोर्सफुल या मैंडेटरी वैक्सीनेशन नहीं लाया जा सकता है। और ख़ास करके उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स हो गए हैं या शॉप्स में जो लोग काम करते हैं उन लोग। आइए अब कुछ गाइडलाइंस देखते हैं जो मेघालय हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। जो भी शॉप्स ओनर होंगे या टैक्सी ड्राइवर या बस ड्राइवर या कैब ड्राइवर, जो लोग भी होंगे, अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से क्लियरली वैक्सीनेटेड लिखना होगा, अगर वो वैक्सीनेटेड है तो। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो नॉट वैक्सीनेटेड लिख के एक ऐसे जगह पे उसे चिपकाना होगा जहाँ पे इजिली वो दिखाई दे, सो दैट जो लोग आए जाएँ उन लोग को पता चल पाए कि जो अगला जो सर्विस प्रोवाइडर है ये वैक्सीन लिया हुआ है या वैक्सीन नहीं लिया हुआ है। साइन है वैक्सीनेटेड या नॉट वैक्सीनेटेड, इसका साइज़ कितना होना चाहिए और ये किस जगह पे इसे चिपकाना है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है, अगर मान लीजिए वैक्सीनेटेड है और नहीं लगाता है, या वैक्सीनेटेड नहीं भी है तो भी वो पोस्टर नहीं चिपकाता है, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई पर्सन वैक्सीनेशन के रिगार्ड में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है या अफवाह फैला रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस थे जो मेघालय हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए वैक्सीनेशन हम लेते हैं और हमारे साथ कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन का रिएक्शन कर देता है या डेथ हो जाती है, तो क्या गवर्नमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। इसके रिगार्ड में RTI फाइल किया गया था 23 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिप्लाई किया, ये जो वैक्सीनेशन है ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है, और वॉलेंटरी है तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। यहाँ पर एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहती है कि किसी भी प्रकार का कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, रीज़न ये है क्योंकि वैक्सीनेशन वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसे मैंडेटरी कर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को एक बैलेंस्ड अप्रोच करना चाहिए। बैलेंस्ड क्या, कि एक तरफ है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक का पूरा हेल्थ देखना है कि सारे लोग वैक्सीनेशन हो जाए, और दूसरी तरफ पर्सनल लिबर्टी भी है। तो पर्सनल लिबर्टी ये कि अगर कोई वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहता है तो उसे उसके ऊपर जोर दबाव नहीं करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक बैलेंस्ड अप्रोच ले चलना चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम ले चलना चाहिए, या जो भी जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है, जैसे रेलवे के एग्जिट में जहाँ रेल बाहर निकला जाता है, या किसी चौराहे पे, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बड़े बड़े पोस्टर में जो भी वैक्सीनेशन है उसके अच्छे अच्छे चीज़ें बताया जाए कि वैक्सीनेशन से क्या क्या अच्छे चीज़ होते हैं, और अगर कुछ कुछ इसके गलत प्रभाव भी होते हैं, इसके जो लगाने से अगर रिएक्शन कर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो भी मेंशन करना चाहिए। अगर डेथ होता है तो पर 1000 कितना डेथ हो रहा है या पर लाख कितना डेथ हो रहा है, वो सब भी क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए, सो दैट जो भी पर्सन, जो भी सिटीजन वैक्सीनेशन ले रहा है उसे एक वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और वो अपने स्वेच्छा से ले। ये नहीं होना चाहिए कि अब उसे फोर्सफुली करना चाहिए। वॉट आई मीन टू से कि बैलेंस्ड होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर एंड पर्सनल लिबर्टी में। एक लाइन में कहा जाए तो मेघालय हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी किया उसमें बेसिकली यही था कि जो पब्लिक एट लार्ज है और पर्सनल लिबर्टी है, दोनों को बैलेंस्ड वे में रखना चाहिए। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।